नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी YouTube चैनल वर्ल्ड एपिक फैक्ट में। एक ऐसा उद्योगपति जिनका बचपन गरीबी में बीता और कोई खास डिग्री भी नहीं ले पाई, वह अपनी सोच और मेहनत से आज ऐसी बुलंदी पर है कि लोग उनका नाम लेते नहीं थक रहे हैं। नाम है करसन भाई पटेल। उन्होंने 1969 में वॉशिंग पाउडर निर्मा शुरू किया। निर्मा को उन्होंने लोगों को इस तरह जोड़ दिया कि लोग आज भी जनरल स्टोर में निर्मा मांगने लगे। बताया जा रहा है कि जब करसन भाई ने निर्मा नाम से वॉशिंग पाउडर का कारोबार तब शुरू किया था जब इस धंधे में उतरने के बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था। उस वक्त कुछ गिनी चुनी ही विदेशी कंपनियां जो डिटर्जेंट का काम किया करती, लेकिन उन्होंने चंद रुपयों से यह काम कैसे शुरू किया और निर्मा को कैसे एक ब्रांड बनाया, यह कहानी भी प्रभावित करने वाली। निर्मा समूह सौंदर्य प्रधान साबुन, डिटर्जेंट, नमक, सोडा एस आदि का निर्माण करता है। सन 1969 में एक छोटे से कमरे से शुरू किया गया निर्मा पाउडर का व्यवसाय करसन भाई पटेल की लगन और कड़ी मेहनत से फलता फूलता गया और आज वे भारत के सबसे धनी व्यक्तियों की सूची में स्थान रखते हैं। उन्होंने यह व्यवसाय अपनी नौकरी के साथ साथ किया। कार्यालय जाते समय उसकी बिक्री करते थे और शाम को वापस आकर डिटर्जेंट का निर्माण और पैकिंग करते थे। एक आंकड़े के अनुसार सन 2021 में निर्मा में कुल 25,000 से अधिक कर्मचारी थे और 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार था। करसन भाई पटेल का जन्म 13 अप्रैल 1944 को गुजरात के मेहसाना में एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मेहसाना के स्थानीय स्कूल में हुई और 21 साल की उम्र में उन्होंने BSc की पढ़ाई पूरी की और एक प्रयोगशाला सहायक के तौर पर नौकरी करने लगे। सन 1969 में उन्होंने अपने घर के पिछवाड़े में निर्मा उनकी बेटी के नाम पर डिटर्जेंट का निर्माण कर उसने खुद की अपनी साइकिल पर घूम घूम कर बेचने का प्रारंभ किया। यह कार्य वो दफ्तर से आने के बाद शाम को करते थे और अगले दिन सुबह दफ्तर जाते वक्त 15-20 पैकेट साइकिल पर बेचते थे। उन्होंने इस डिटर्जेंट पाउडर की कीमत मात्र 3 रुपये रखा था, जो पाउडरों के मुकाबले में लगभग 1/4 था। लोगों को सस्ता पाउडर जांच गया था और देखते देखते निर्मा पाउडर सफल हो गया। लगभग 3 साल बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अहमदाबाद के पास एक छोटी सी फैक्ट्री लगा ली। बड़े कम समय में निर्मा ब्रांड गुजरात और महाराष्ट्र में स्थापित हो गया था। बेहतर गुणवत्ता और कम कीमत में निर्मा डिटर्जेंट पाउडर को हर गृहिणी का पसंदीदार पाउडर बना दिया। इसके बाद करसन भाई ने रेडियो और टेलीविजन पर प्रचार के माध्यम से देश के घर घर में पहुंचा दिया। निर्मा ने डिटर्जेंट बाजार में एक क्रांति ला दी और इसके साथ ही एक नए सेगमेंट की स्थापना भी कर दी। उस समय डिटर्जेंट साबुन के बाजार पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे कि हिंदुस्तान लीवर, जो सिर्फ पाउडर 13 रुपये किलो के भाव पर बेचते थे, उनका प्रभुत्व और दबदबा था। पर करसन भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ के दम पर साल के अंदर ही निर्मा को सबसे ज्यादा बिकने वाला डिटर्जेंट पाउडर बना दिया। इस प्रकार निर्मा ब्रांड कम कीमत वाले डिटर्जेंट और टॉयलेट साबुन के लिए लगभग एक पर्यायवाची नाम बन गया था। सस्ते डिटर्जेंट बाजार में अपने पैर जमाने के बाद निर्मा ने महसूस किया कि उच्च आय वर्ग को ध्यान में रखते हुए नए उत्पादों को लॉन्च करना जरूरी है ताकि कंपनी मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं के साथ साथ ऊपरी आय वर्ग में भी अपनी जगह बना सके। इस दृष्टि से निर्मा ने प्रीमियम क्षेत्र में प्रवेश किया, जिसके अंतर्गत निर्मा ने निर्मा बाथ, निर्मा ब्यूटी शॉप और प्रीमियम पाउडर सुपर निर्मा डिटर्जेंट जैसे उत्पादों को बाजार में उतारा। निर्मा ने शैम्पू और टूथपेस्ट के क्षेत्र में भी पाव पसारने की कोशिश की, पर आशातीत सफलता नहीं मिली। निर्मा ने शुद्ध नाम से खाने का नमक भी बाजार में उतारा, जो सफल रहा। साबुन बाजार में निर्मा की लगभग 20% हिस्सेदारी है, जबकि डिटर्जेंट पाउडर के क्षेत्र में लगभग 35% बाजार के निर्मा में कब्जे में है। सन 1995 में करसन भाई पटेल ने अहमदाबाद में निर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की। इसके बाद एक प्रबंधक संस्थान की भी स्थापना की गई। बाद में दोनों संस्थान निर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आ गए। इन संस्थाओं को निर्मा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संचालित किया जाता है। सन 1990 के दशक में निर्मा एक ऐसा उपभोक्ता ब्रांड बन गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि कम कीमत पर भी अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन की है। साबुन और डिटर्जेंट बाजार में अन्य बड़े प्रतिस्पर्धी ब्रांडों होते हुए भी निर्मा की सफलता का श्रेय उसके वितरण की पहुंच और बाजार में उनकी पेठ के कारण संभव हो सका था। आज निर्मा के नेटवर्क में लगभग 400 वितरक और 2 लाख से अधिक खुदरा दुकान शामिल है। इस विशाल नेटवर्क के कारण निर्मा अपने उत्पादों को छोटे छोटे गांव तक उपलब्ध कराने में सक्षम हो चुका है। अपने आप को देश में स्थापित करने के बाद करसन भाई पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने कदम बढ़ाए और बांग्लादेश में एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने चीन, अफ्रीका और बाकी एशियाई देशों की तरफ भी रुख किया। सन 2007 में उन्होंने अमेरिकी कच्चे माल की कंपनी सिरलेस वैली मिनरल्स इंफ्रा का अधिग्रहण कर लिया और दुनिया के शीर्ष सोडा एस निर्माता में शामिल हो गए। निर्मा देश के उन कुछ चुनिंदा ब्रांडों में से है
जिन्हें एक पूर्ण भारतीय ब्रांड की तरह पहचाना जाता है। निर्मा ने करसनभाई पटेल के नेतृत्व में स्थापित और शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर विजय हासिल की और अपने अनूठे वीक्षण माध्यमों और तरीकों से उपभोक्ताओं का दिल जीता। वे दो बार साबुन और डिटर्जेंट के विकास परिषद के अध्यक्ष चुने गए, गुजरात डिटर्जेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाए गए, नई दिल्ली के लघु इंडस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा उद्योग रत्न की उपाधि से विभूषित किए गए। उन्होंने गुजरात के वाणिज्य और उद्योग वेंचर अहमदाबाद द्वारा सन 1990 में उत्कृष्ट उद्योगपति के सम्मान से नवाजा गया। सन 1998 में गुजरात व्यापारी पुरस्कार से सम्मानित किए। वर्ष 2001 में उन्हें फ्लोरिडा अंटार्कटिक विश्वविद्यालय फ्लोरिडा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा मानद डॉक्टर से उपाधि से सम्मानित किया गया। साल 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी करसनभाई पटेल की, जिन्होंने एक छोटे से कमरे से कंपनी की शुरुआत की थी। अपने बलबूते और अपने मेहनत के दम पर उन्होंने भारत की सबसे बड़ी ब्रांड बना दी है। तो दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारी यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एपिक फैक्ट। नमस्कार।